तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज के वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ गेम के अंदर हमारा जो आने वाला है तीन न्यू बोया पास से रिलेटेड अपडेट। तो देखो भाई, पिछले कुछ वीडियो में आप लोग को मैंने बोया पास के इमेजेस एंड कुछ वीडियोस आप लोग को मैंने दिखाया। ओवरऑल एडवांस सर्वर के अंदर बोया पास के जितने सारे रिवार्ड्स हैं लगभग एड हो चुके हैं। तो आज के बोया पास लगभग फुल रिव्यू के साथ होने वाला है। कौन कौन से रिवार्ड्स आप लोग को कितने लेवल पे मिलने वाला है एंड कौन सा रिवार्ड कैसा रहने वाला, फुल डिटेल्स में आप लोग को आज के वीडियो में मिलने वाला है सारी जानकारी। इसके साथ यहाँ पे बात करने वाला है कि आपको बताया हमारा फेयर फायर इंडिया जल्दी आने वाला है। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गेम के अंदर एक न्यू सर्वे आया है। सर्वे के अंदर आप लोग जाने वाले तो कुछ ऐसे शॉकिंग चीजें आप लोग को देखने मिलने वाला जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है। तो भाई सर्वे के अंदर हमारे गेम कर आने वाले काफी सारे कोलैबोरेशन के बारे में बताया गया है जिसे कि आप जल्दी गेम के अंदर कंटिन्यू करने वाला है। आप सभी से पूछे गए कि भाई किस सेलिब्रिटी एंड किस फिल्म क्रिएटर एंड जो भी सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप लोग यहाँ पे कोलैबोरेशन देखना चाहते हो एंड आप सभी से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका क्या सीन रहने वाला है अच्छे से डिटेल्स में बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो फटाफट वीडियो को गजर स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, गजर वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नहीं आ रहे हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे सेट करके रख लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं गेम के अंदर आने वाले काफी सारे इंटरेस्टिंग अपकमिंग अपडेट एंड गाइस इवेंट्स के बारे में जो आप लोगों को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। लेकिन यार देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके भाई के पास 7th एनिवर्सरी का कैलेंडर आ चुका है। बट कैलेंडर के लिए थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। आप लोग को कैलेंडर में दिखाने वाला हूँ कौन कौन से रिवार्ड आप लोग को मिलने वाला। बट यहाँ भी बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे गेम के अंदर एक न्यू सर्वे एड किया गया है जिसके बारे में, क्योंकि ये जो सर्वे है हमारा फ्री फायर मैक्स से रिलेटेड नहीं रहने वाला, ये फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड रहने वाला है। देखो मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, सर्वे के अंदर अगर आप लोग एंटर करने वाले हो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे अगर आप लोग आगे आने वाले हो तो देख सकते हो। यहाँ पे हम सभी से पूछे गए हैं ये जो हमारा सर्वे रहने वाला FFIND आई मीन हमारा फिर फार इंडिया का, ये ओवरऑल जो हमारा आने वाला है ओवरऑल रोड मैप जो रहने वाला है ब्रांड सर्वे का, जिसके अंदर आप लोग कौन कौन से ब्रांड्स के साथ यहाँ पे देखना चाहते हो कोलैबोरेशन इवेंट हमारे गेम के अंदर, जिसके बारे में यहाँ पे गिना पेपर ने हम सभी से पूछे। देखो यहाँ पे फ्री फायर इंडिया के बारे में बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फ्री फायर इंडिया बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे आप लोग को मैं एक और भी पिक्चर दिखाना चाहूंगा, पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर के अंदर अगर आप लोग देखने वाले तो हमारे फिर बार के जो क्रिएटर्स है वो एक सूट पे गए हुए हैं। बट यहाँ पे सूट में अगर आप लोग देखने वाले तो यहाँ पे आर्मी के ड्रेस पहने हुए हैं ये लोग। लेकिन यार हमारा 7th एनिवर्सरी का सूट अगर होने वाला तो भाई आर्मी का ड्रेस का क्या, चलो छोड़ो यहाँ पे मानते हैं कि चलो ये लोग 7th एनिवर्सरी से रिलेटेड ही सूट करने वाले। लेकिन भाई यहाँ पे जो सर्वे आया है सर्वे को यहाँ पे देख लीजिए। देखो जब भी गेम बैन रहता है कोई भी हमारे गेम के जो कंट्री के जितने सारे ब्रांड है जिसके साथ वो कोलैब नहीं कर सकता। गेम जब हमारा बैन था तो आपको बताइएगा 2 साल तक कोई भी कोलैब इवेंट हमारे गेम के अंदर नहीं आया है जो इंडियन सर्वर से रिलेटेड है। इंडियन सर्वर्स के अंदर बस कुछ इवेंट्स आने स्टार्ट हुए हैं दिवाली के टाइम से, दिवाली होली इन सारे इवेंट्स को बस गिना पेपर अब सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है जब गेम हमारा अनबैन हुआ। पहले जिस तरह से आप लोग को दिवाली के टाइम पर ऋतिक रोशन एंड बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ जिस तरह से आप लोग को कोलैबोरेशन देखने मिलता था, वैसे अभी फिलहाल के लिए एक भी इवेंट गेम के अंदर नहीं आया। बट आप लोग को जल्द ही ये इवेंट्स आने स्टार्ट होने वाले क्योंकि गिना पेपर हमारा फिर फायर इंडिया लॉन्च करने वाला, इसके साथ कोलैबोरेशन करने वाला। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कोलैबोरेशन देखने मिलने वाला है, मतलब मिलाकर यह गेम बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है एक बड़े कोलैबोरेशन इवेंट के साथ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स प्लेयर साथ ही टीम्स के साथ भी यहाँ पे देखते तो कोलैबोरेटिव इवेंट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे जो भाई अफवाहें फैलाए यहाँ पे देखते तो इंडियन के बहुत सारे मूवी एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे रहने वाला। यहाँ पे पुष्पा के साथ भी देखते तो कोलैबोरेटिव इवेंट के बारे में पूछा गया है। ये कोलैबोरेशन लगभग समझ लो कंफर्म ही है। KGF के साथ कोलैब होने वाला, फास्ट एंड फ्यूरियस एंड एवेंजर के साथ भी कोलैब साथ से ग्राफिक पर कर सकता है अगर आप लोग को वोटिंग यहाँ पे करने वाला। साथ ही अगर बॉलीवुड एंड साउथ के बहुत सारे एक्टर्स भी यहाँ पे रखे गए हैं जो आप लोग जहाँ पे चाहते हो। इसके साथ एनिमी सोच बहुत सारे कार के ब्रांड्स यहाँ पे रखे गए हैं जो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। एंड कार के ब्रांड्स का तो भाई कोलैबोरेशन मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि भाई लंबोर्गिनी के बाद कोई भी कोलैब हमारे गेम के अंदर नहीं आया है। मैं यहाँ पे भाई मारुति सुजुकी से लेके भाई मुझे गेम के अंदर मारुति सुजुकी चलाना है भाई, काफी मजा आने वाला है। इसके साथ बहुत सारे यहाँ पे और भी कोलैबोरेशन इवेंट है, देख लीजिए बाहुबली के साथ यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग चाहते हो तो इसके साथ भी कोलैब कर सकता है ग्राफी पर। इसके साथ यहाँ पे बात करने वाले तो RR जो मूवी था इन सारे मूवी के साथ भी कोलैब यहाँ पे बताया गया है कि हो सकता है। ये जो सर्वे है भाई हमारा आर्टिकल एड हो चुका है न्यूज सेक्शन में, तो प्लीज से देखो अपडेट आने से पहले जाकर आप लोग सर्वे को फिल कर देना। बहुत सारे यहाँ पे आपसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर से रिप्लाई करना क्योंकि गिना के ऊपर अगर फीडबैक ले रही है तो जरूर से गेम तो हमारा आने ही वाला है। अब देखो भाई लोग, जैसा सीन मुझे लग रहा है कि एक मंथ के अंदर गिना फिर जरूर से गेम को लॉन्च कर सकता है क्योंकि देखो इतने सारे चीजें एक साथ कैसे होने लगे हैं। हमारा गेम का जो भाई पूरे तरह से डोमेन है उसे चेंज कर दिया गया है, बहुत सारे वेबसाइट को क्रिएट किया है गिना के ऊपर ने एक साथ बल्क। इसके साथ आप लोग को जल्दी फिर फायर इंडिया देखने मिलेगा। तो बस यार अनाउंसमेंट का वेट करो, मैं जल्दी
कुछ अनाउंसमेंट आ जाए, जिसके बाद समझ लो मजा ही आने वाला। देखो 7th एनिवर्सरी एंड होते साथ ही आप लोग को हमारे गेम वापस ऐसा देखने मिल सकता है जैसा मुझे लग रहा है। बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है, तो भाई आई होप ये अपडेट्स आप लोग को अच्छे लगे हो, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी और भी कुछ मुझे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आने वाले इन फ्यूचर वीडियो के अंदर आप लोग को मैं अपडेट्स करता रहूंगा। चलो वीडियो में घाई लोग आगे बढ़ने वाले हैं। पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए ऐसे फिर पार से रिलेटेड वीडियो आपका भाई लाता रहता है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं बोया पास के बारे में, जो हमारी गेम के अंदर आने वाले 3 मंथ का यहाँ पे जो बोया पास आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 30 लेवल पे आप लोग को एक ग्रेनेड का स्किन मिलने वाला है आने वाले हमारे नेक्स्ट हमारा जो बोया पास आने वाला नेक्स्ट मंथ का, जिसके पिछले रिव्यू में आप लोग को बंडल में नहीं दिखाया पाया था, बट आज के वीडियो में आप लोग को मैं बंडल का भी रिव्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके साथ 40 लेवल पे एक मिलने वाला आप लोग को एक लूट बॉक्स का स्किन, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 50 लेवल पे एक बैक पैक का स्किन रहने वाला है, जो कुछ इस तरह का रहने वाला आने वाले हमारे नेक्स्ट मंथ के बोया पास के अंदर, जो भाई हमारा आने वाला है। इसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं तो भाई 70 लेवल पे एक रहने वाला सर बोर्ड का स्किन, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक सर बोर्ड का स्किन रहने वाला है, जो आप लोग को 70 लेवल पे मिलने वाला है। इसके साथ 80 लेवल पे अगर आप लोग यहाँ पे जाने वाला हो, तो आप लोग को मिलने वाला है हमारा छोटू सा, जो हमारा एमरसन का एक छोटा भाई है, जिसका स्किन मिलने वाला है। हमारा छोटू जो शॉर्ट गन का स्किन है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देने वाला है आने वाले इस पहले जुलाई के बोया पास के अंदर। इसके साथ पे बात करने वाला हो तो 90 लेवल पे आप लोग को एक मिलने वाला इमोट, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, डक के थीम पे ये इमोट रहने वाला है। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि देखो पिछले वीडियो में आप लोग को बर्नस का रिव्यू नहीं दे पाया था, बट यहाँ पे गाजर आने वाले नेक्स्ट मंथ के बोया पास का बंडल का रिव्यू भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये रहने वाला हमारा जुलाई मंथ के बोया पास का मेल का बंडल, आप लोग को कैसा लगा है बंडल मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना, जो आप लोग को हैंडल लेवल पे यहाँ पे जाने पे मिलने वाला है। लेवल 1 पे जो फीमेल बंडल मिलने वाला इस वाले बोया पास के अंदर, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। फीमेल बंडल रहने वाला हमारे गेम के अंदर आने वाले जुलाई के बोया पास के अंदर, तो भाई ओवरऑल बंडल ठीक ठाक है जो आने वाले इस वाले बोया पास के अंदर आप लोग को मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया था कि देखो यार 3 बोया पास का रिव्यू आप लोग को आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाला है जो हमारा इसके बाद हमारा अगस्त का बोया पास, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। लेवल पे ग्रेनेड का स्किन मिलने वाला है आप लोग को आने वाले हमारे अगस्त के बोया पास के अंदर, मैजेस्टिक रोवर का नाम से ये जो है बोया पास आने वाला है, जो ओवरऑल मस्त लगा मुझे देखने में। साथ ही 40 लेवल पे आप लोग एक लूट बॉक्स का स्किन मिलने वाला है, जो कुछ इस तरह के यहाँ पे रहने वाला है। देखो अलग अलग वीडियो को एक साथ जोड़कर ये बोया पास को बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो ये लाइक कर देना। इसके साथ 50 लेवल पे एक पैक पैक का स्किन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे बात करने वाले तो 70 लेवल पे आप लोग एक सर बोर्ड का स्किन मिलने वाला। सर बोर्ड का स्किन का वीडियो फिलहाल के लिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आप लोग को ये सर बोर्ड का स्किन 70 लेवल पे देखने मिल जाएगा। 80 लेवल पे एक गन स्किन मिलने वाला, जो साइज से चार्ज ब्लास्टर यहाँ पे रहने वाला। आई थिंक ये चार्ज ब्लास्टर ही रहने वाला जो 70 लेवल पे आने वाला अगस्त के बोया पास, सॉरी 80 लेवल पे आने वाला अगस्त के बोया पास के अंदर आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। इसके साथ 90 लेवल पे एक ग्लोबल का स्किन मिलने वाला, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आने वाला अगस्त के बोया पास के अंदर। जुलाई वाले बोया पास से मुझे अगस्त का बोया पास काफी अच्छा लगा है, जिसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से रिवार्ड्स रहने वाले। इसके साथ मैं आप लोग को बंडल्स भी दिखाने वाला हूँ इस आने वाले बोया पास के। तो भाई बंडल यहाँ पे बात करने वाले तो देख लीजिए हैंडल लेवल का बंडल कुछ इस टाइप का यहाँ पे रहने वाला, जो भाई किंग के थीम पे यहाँ पे मस्त वाला बंडल डिजाइन किया गया है। जुलाई का बोया पास परचेस करो या ना करो, अगस्त का जरूर से परचेस कर लेना, क्योंकि भाई काफी मस्त यहाँ पे रहने वाला। इसके साथ इसका फीमेल बंडल भी देख लीजिए कुछ इस तरह का, इसका फीमेल बंडल भी रहने वाला आने वाले हमारे अगस्त के बोया पास के अंदर, जो भाई कुछ इस टाइप का आप लोग को देखने मिलने वाला है। फीमेल बोया पास का भी देख सकते हो, यहाँ पे हेयर स्टाइल काफी मस्त यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ओवरऑल फीमेल का बोया पास भी काफी ज्यादा, बोया पास का जो बंडल है ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा रखा गया है। इसके साथ बात करने वाले 3 बोया पास के बारे में आप लोग को मैंने प्रोमिस किया, तो भाई 3rd बोया पास के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा सितंबर मंथ का बोया पास रहने वाला है। देखो यार 1700 लाइक टारगेट दे रहा हूँ, कंप्लीट करवा देना। पिछले बार तो आप लोगों ने भाई आधे घंटे के अंदर ही पूरे लाइक कंप्लीट करवा दिए हो, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। 1700 लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो के ऊपर। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सितंबर के बोया पास के बारे में। ऑक्टोपस लेजेंड के नाम से सितंबर का बोया पास आने वाला है। 30 लेवल पे आप लोग को ग्रेनेड का स्किन यहाँ पे देने वाला है। इसके साथ आप लोग एक लूट बॉक्स का भी स्किन देख लीजिए, जो मिलने वाला है आने वाले इस वाले बोया पास के अंदर। इस टाइप का लूट बॉक्स का स्किन रहने वाला, जो आप लोग को आने वाले इस वाले बोया पास के 40 लेवल पे आप लोग को साथ से यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आगे बढ़ने वाले तो 50 लेवल पे आप लोग को एक इमोट मिलने वाला, इमोट भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस टाइप का इमोट रहने वाला, जो भाई मस्त लग रहा है मुझे देखने में। ऐसे इमोट को गिना पेपर 1000 डायमंड से कम में नहीं देता है, तो भाई बोया पास के अंदर अगर ऐसे इमोट्स को दिए जा रहे तो काफी अच्छी बात है। सितंबर के बोया पास के अंदर ये इमोट मिलने वाला 50 लेवल पे। इसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हमारे गेम कर आने वाले इस वाले बोया पास के अंदर और भी कुछ रिवार्ड्स के बारे में। 70 लेवल पे जाने वाले तो आप लोग एक बैक पैक का स्किन मिलने वाला है, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 80 लेवल पे आप लोग एक सर बोर्ड का भी स्किन गिना पेपर स्किन देने वाला है। सर बोर्ड का स्किन का फिलहाल के लिए मेरे पास वीडियो अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा। इसके साथ 90 लेवल पे आप लोग को एक मिलने वाला है वुड पेकर का स्किन, जो भाई ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है देखने में आने वाले इस वाले बोया पास के अंदर, जो सितंबर का मंथ का रहने वाला है। 100 लेवल का जो भाई इस बार का रहने वाला है बंडल, वो देख लीजिए कुछ इस तरह का बंडल 100 लेवल पे मिलने वाला आप सभी को देखने के लिए। पायरेट्स के थीम पे है बोया पास का ये बंडल, तो भाई इसका पैर भी अगर आप लोग यहाँ पे देखने वाले तो उसका एक पैर ही नहीं है, देख सकते हो भाई साहब यहाँ पे। इसके साथ ही बात करते हैं 1 लेवल पे जो यहाँ पे रिवार्ड्स रहने वाला है इस वाले बोया पास के अंदर, इसका फीमेल बंडल वो भी देख लो। जब मैंने पिछले बार आप लोग को रिव्यू दिया था भाई, पिछले रिव्यू
के अंदर सिर्फ मैं आप लोग को पिक्चर ही दिखा पाया था, बाकी के रिवार्ड्स नहीं दिखाया। तो भाई इस बार देख लीजिए, ये रहने वाला फीमेल का बंडल आने वाले सितंबर मंथ के बोया पास के अंदर। बंडल भी ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, जिसका एनिमेशन भी ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पे रखा गया है। अगर आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना कि भाई तीनों में से कौन सा बोया पास ज्यादा अच्छा लगा। पिछले बार जब मैंने रिव्यू आप लोग को दिया था, आप लोगों ने बोला था कि भाई हमारा अगस्त एंड गजट सितंबर का बोया पास काफी ज्यादा ओपी है, तो भाई मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा है। अगर आप लोग को अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एमने के वीडियो में देखने वाले हैं हमारे आने वाले 7th एनिवर्सरी का कैलेंडर, जो कैलेंडर के साथ रिवार्ड भी कौन कौन सा रहने वाला है, फुल रिव्यू आप लोग को मिल जाएगा। तो भाई बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस।